हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय, पावर लॉस इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय क्या होता है ये आज हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय क्या होता है ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शक्ति क्षय एक्चुअल में क्या होता है। पावर लॉस किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में पावर लॉस क्या होता है। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर ऊर्जा व्यय होती है और प्रति सेकंड व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को, या ऐसा बोल सकते हैं ऊर्जा व्यय की दर को परिपथ में व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऊर्जा व्यय की दर को परिपथ में व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो आई होप वैद्युत शक्ति क्या है आपको समझ आया होगा। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है कि ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो आगे देखते हैं किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में शक्ति क्षय क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति का मान देखिए वोल्टेज तथा संगत धारा के मान के गुणनफल के बराबर ही होता है। यानी कि कहा गया है हमसे P इज इक्वल्स टू होता है VI, P इज इक्वल्स टू VI होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। हाई स्कूल में भी पढ़ा है हमने, ट्वेल्थ में भी पढ़ा है और बीएससी में भी पढ़ रहे हैं यही कि P इज इक्वल्स टू IV या P इज इक्वल्स टू VI होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यानी कि कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है तो उसमें व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति का मान वोल्टेज तथा संगत धारा, जो वोल्टेज है और उसके संगत जो धारा बह रही है यानी कि करंट, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है P इक्वल्स टू VI। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के मान ज्यावक्री रूप में निरंतर बदलते रहते हैं। ये वाली लाइन आपको आगे समझ आ जाएगी जब हम इसका छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। अतः परिपथ में व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति का मान भी निरंतर बदलता रहता है। देखिए पी यानी कि जो पावर है या पावर लॉस जिसको हम बोले वो डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी पर। ये देखिए ये डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी पर, कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे छोटा सा तो सब समझ आ जाएगा आपको। तो जो पावर है पी वो डिपेंड करेगा हमारा, पी डिपेंड करता है साइन ओमेगा टी पर और कॉस ओमेगा टी, इन पर डिपेंड करेगा हमारा जो पावर है पी। और देखिए यहाँ पे टी यानी कि टाइम चेंज होगा, ये वेरी करेगा। तो टाइम के साथ साथ जो ज्यावक्रीय, ये देखिए वैद्युत शक्ति का मान भी निरंतर ज्यावक्रीय रूप में धारा और वोल्टेज रेगुलर चेंज हो गए। ये देखिए जो साइन ओमेगा टी है ये भी वेरी करेगा अगर टी की वैल्यू चेंज होगी तो, सिमिलरली कॉस ओमेगा टी भी वेरी करेगा और ये दोनों डिपेंड करेंगे पी पर, तो ये दोनों वैरी करेंगे तो पी भी वैरी करेगा यानी कि पी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये है पूरा एक्चुअल में मैटर क्या क्या होता है। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये दोनों डिपेंड करेंगे पावर, डिपेंड करेगा जो शक्ति क्षय है यानी कि करंट जो सॉरी पावर लॉस जो है अल्टरनेटिंग सर्किट में वो डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी पर, और टी वेरी करेगा टाइम चेंज होगा तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ये टोटल वैल्यू चेंज होंगी और ये डिपेंड करते हैं पावर लॉस पर, तो ये पावर लॉस इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, मीन्स ये भी वेरी करेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से ये वैरी करता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति का मान भी, एक मिनट ये देखिए जो
प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति का मान भी वोल्टेज तथा संगत धारा के मानों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम देख चुके हैं, पी इज इक्वल्स टू वी आई होता है, पढ़ चुके हैं, सिंपल सी बात है। यही यहाँ पे हमसे बोला गया है कि पी इज इक्वल्स टू वी आई होता है। और यहाँ से आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा समान कला में नहीं होते हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में, ये अल्टरनेटिंग सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, इसमें वोल्टेज भी और करंट आई, ये दोनों फेज डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, सेम फेस में नहीं होते हैं, यानी कि समान कला में नहीं होते हैं वोल्टेज और करंट। किसी भी आई ये अल्टरनेटिंग सर्किट दिया हुआ है, इसमें तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा। अगर समान कला में नहीं है तो फेज डिफरेंस जरूर होगा, और उस फेज डिफरेंस को हम मान लेते हैं कलांतर इन दोनों के बीच में थीटा दिया हुआ है, ऐसा मान लेते हैं, कलांतर मान लेते हैं थीटा, यानी कि फेज डिफरेंस हमने मान लिया थीटा दोनों के बीच में। तो अगर फेज डिफरेंस सेम नहीं है तो इनके बीच में फेज डिफरेंस हम थीटा मान लेते हैं। तो ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज तथा धारा के मान निम्न समीकरणों से दिए जाएंगे। अब देखिए, फेज डिफरेंस अगर हमने थीटा ले लिया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वी इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है वी जीरो साइन ओमेगा टी, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए। ये देखिए, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अगर हमें कोई भी दिया हुआ है, तो उसके लिए वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई जीरो। अब देखिए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी आना चाहिए, लेकिन इन दोनों में फेज डिफरेंस है थीटा का, तो अगर वोल्टेज में साइन ओमेगा टी लिया है हमने, तो यह हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। जो करंट है वो वोल्टेज से थीटा डिग्री पश्चगामी है, ऐसा बोलेंगे। अगर माइनस थीटा आया हुआ है तो पश्चगामी ही होगा। तो करंट की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा यहां से, देखिए आगे हम देखते हैं, ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगी वोल्टेज और करंट की। तो सिंपली ये तो हुई इक्वेशन की बात, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, तो ये देखिए, वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ये यहाँ पे हमने ले लिया। अब आगे देखिए, अर्थात परिपथ में व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति का तात्क्षणिक मान क्या होगा। अब देखिए, पी इज इक्वल टू होता है वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई होता है, तो यहाँ पे हम पी इज इक्वल टू वी आई, इसमें हम वी वोल्टेज और करंट इन दोनों की जो इक्वेशन है, इन दोनों की जो वैल्यूज है, इन दोनों को पुट कर देंगे, तो पी इज इक्वल टू वी आई हुआ। और इन दोनों को पुट किया तो वी की जगह हमने लिखा वी जीरो साइन ओमेगा टी, और इन टू आई की जगह पे लिखा हमने आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, तो इतना निकल के आ गया यहाँ से। आगे देखिए, हमने क्या किया, वी जीरो आई जीरो इन दोनों को अलग से लिख लिया हमने, वी जीरो यहाँ से लिया और आई जीरो यहाँ से लिया, और इन दोनों को हमने अलग से लिख लिया, तो आगे लिख दिया वी जीरो आई जीरो। ये देखिए, यहाँ पे पी इज इक्वल टू वी जीरो आई जीरो, और साइन ओमेगा टी, ये देखिए, ये जो साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, ये साइन ओमेगा टी यहाँ पे लिखा हमने, और साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा साथ में आई, ये वाला जो आगे वाला साइन ओमेगा टी है, ये देखिए, इसको हमने लिखा यहाँ पे आगे साइन ओमेगा टी, और ये आई नॉट को हमने बाहर ले लिया, तो वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, देखिए ये हो गया। और यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा दे रखा है हमें, इसमें हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, तो देखिए यहाँ पे हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला, तो यहाँ से निकल के आ गया, ये देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से देखिए वी जीरो आई जीरो, ये साइन ओमेगा टी का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो देखिए साइन ओमेगा टी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस थीटा साथ में था तो कॉस थीटा माइनस, ये देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये देखिए।
अंदर कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। और ये देखिए अगर यहाँ पे टू हो तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाता है साइन टू थीटा। तो आगे अगर टू होता तो हो जाता साइन टू ओमेगा टी, लेकिन अगर आगे टू नहीं है तो इसको हम थीटा बाई टू करके लिखते हैं, तो टू साइन ओमेगा टी बाई टू ये हो जाएगा। साइन टू थीटा बाई टू हो जाता है या थीटा बाई टू, अगर थीटा तो साइन टू ओमेगा टी बाई टू हो जाएगा यहाँ से। ये फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से सिंपल सी बात है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा होता है, और टू नहीं है तो थीटा बाई टू एंगल में टू से डिवाइड हो जाता है। तो वही किया हमने, तो वी जीरो आई जीरो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू साइन थीटा, साथ में ही है तो ये इतना निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए पी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, यहाँ पे देखिए 1/2 को आगे ले लिया, वी नॉट आई नॉट ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग, इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये देखिए पी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वी नॉट आई नॉट से, और सिमिलरली यहाँ भी हमने वी नॉट आई नॉट से मल्टीप्लाई किया इस वाली टर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 वी नॉट आई नॉट साइन थीटा साइन टू ओमेगा टी। ये देखिए इतना निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं पी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1/2 वी नॉट आई नॉट साइन थीटा इंटू साइन टू ओमेगा टी। आगे देखिए इस समीकरण में टी का मान निरंतर बदलने के कारण टी की वैल्यू वेरी करेगी, और टी की वैल्यू ये देखिए आप पी डिपेंड करता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन टू ओमेगा टी पर। टी की वैल्यू चेंज होगी तो साइन टू ओमेगा टी भी वेरी करेगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इन दोनों की वैल्यूज भी चेंज होंगी, और ये दोनों चेंज करेंगे तो पी की वैल्यू भी चेंज करेगी। सिंपल सी बात है, पी की वैल्यू भी निरंतर बदलेगी रेगुलर। तो अतः धारा के पूर्ण चक्र के लिए औसत लेने पर पी बार इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी पर बार, और 1/2 वी नॉट आई नॉट साइन थीटा इंटू साइन टू ओमेगा टी पर बार, इन दोनों का इसका हमने पूरा औसत ले लिया, और कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों टी पर निर्भर नहीं करते हैं, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इस समीकरण में कॉस थीटा और साइन थीटा के मान समय टी पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात पूरे चक्र के लिए जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान है वो 1/2 होता है, और साइन टू ओमेगा टी का औसत मान जो है वो होता है 1/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है और साइन टू ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है यहाँ पे। तो इन दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, पी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा लिखा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और साइन टू ओमेगा टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, देखिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल में है। तो यहां से निकल के आ जाएगा पी बार इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा 1/2, और ये देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू, जो टू है उसको हमने रूट टू इंटू रूट टू लिख लिया इंटू कॉस थीटा, और हमें पता है वी नॉट अपॉन रूट टू होता है वी आर एम एस धारा वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान। सिमिलरली आई नॉट अपॉन रूट टू होता है आई नॉट का 1/√2 गुना होता है आई आर एम एस यानी कि करंट का वर्गमाध्य मूल मान, तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, तो ये हो जाता है शक्ति क्षय किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। तो आई होप आपको समझ आया होगा अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में शक्ति क्षय क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।